Meenakshi this side, and here I am once again with another video on my YouTube channel. Welcome and welcome back to my channel. सबसे पहले thank you very much to them जो मुझे subscribe किए हुए हैं और जो मेरी videos देखते हैं, मेरी videos को like करते हैं, comment करके मुझे support करते हैं. I really like it. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सभी के comments पढ़ के, और मुझे बहुत ज़्यादा motivation भी मिलता है. So thank you guys, thank you for motivating me, for supporting me. That means a lot to me. So बस इतना ही. हाँ जी, तो बहुत ही बातें शुरू करते हैं आज की वीडियो. सो टुडेज वीडियो इज द अनबॉक्सिंग वीडियो. तो ये जो अनबॉक्सिंग है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में. इट्स अ अनबॉक्सिंग ऑफ माय बोया एंड इट्स एन अनबॉक्सिंग ऑफ माय बोया MM1. फाइनली आई बाउट इट. नॉट मी, आई हैवंट बाउट इट. और द लाइटनिंग केबल आई परचेज फॉर माय आईफोन. जिसकी मैंने आपको बताया कि दिस इज एन अनबॉक्सिंग वीडियो. तो आप देख सकते हो कि पीछे से कितना साउंड आ रहा है, मतलब कि बैकग्राउंड नॉइज इतना ज्यादा है. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड अ वीडियो बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड साउंड. क्योंकि जो घर है मेरा वो इस तरीके से है कि मतलब रोड है और रोड पे चलता रहता है कभी ट्रक गाड़ी कुछ कुछ. और अभी तो ये दिवाली का वीक है तो फिर बम पटाखे बज रहे हैं तो बहुत ज्यादा नॉइज है. तो अबाउट द माइक, और ऑब्वियसली उसमें आप सुन रहे होगे शायद. तो ओके, दैट्स गुड टू चेक द माइक, कि माइक कितना ज़्यादा हमारा जो कि नॉइज़ है बैकग्राउंड में वो उसको कितना ज़्यादा स्टॉप कर रहा है, और हमारी माइक से कितनी अच्छी आवाज़ आती है या फिर बिना माइक के आवाज़ सही है. तो ये जो अनबॉक्सिंग है मैं दिखाती हूँ. मैं ऑलरेडी एक्चुअली गाइस मैं अनबॉक्सिंग कर चुकी थी जब ये आया था, बिकॉज चेक करना था मुझको कि कहीं खराब ना आया हो, कोई टूटा हुआ ना हो, और मतलब आप समझ सकते हो लाइक कुछ भी प्रॉब्लम जो भी होती है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, वो चीज़ को चेक करने के लिए. मैं ऑलरेडी उसी टाइम जब ये मुझे रिसीव हुआ था तो ही मैंने उसी टाइम पे ही ये मैंने चेक कर लिया था. तो पर द प्रॉब्लम वाज कि आईफोन में, जैसे कि आपको पता होगा आईफोन में नहीं लग सकता है. अगर नहीं पता है तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आईफोन में ये डायरेक्टली नहीं लग सकता है, क्योंकि इसका 3.5 mm जैक वाला जो है सीन है, और मेरे आईफोन का लाइटनिंग केबल वाला सीन, मतलब आईफोन का एक्चुअली लाइटनिंग केबल वाला सीन होता है. तो जो मैंने अनबॉक्सिंग की है बोया MM1 की, वो एक रॉ क्लिप मैंने बना ली थी अपने एंड्रॉयड में ही, और थोड़ा सा चेक भी किया था अपने एंड्रॉयड में ही उसका माइक. तो मैं उसकी भी क्लिप्स एड कर दूंगी आफ्टर दैट, कहीं पे भी बीच में, शायद इसके बाद या बीच में कहीं पे भी मैं एड कर दूंगी फॉर यू गाइज. नाउ चलते हैं, देखते हैं कि क्या आया हुआ है, कैसे मतलब अपने आईफोन में चेक करते हैं. चलिए, सो ये आप देख सकते हो, आई ऑलरेडी ओपन्ड इट. ओपन्ड इट. इंग्लिश कमजोर है मेरी, सॉरी. सो इस पॉली बैग में आया था, ठीक है. सो दिस इज अ माइक, ये दिस इज अ बॉक्स, माइक इसके अंदर है, ठीक है. तो चलो अब ओपन करते हैं आपके लिए, फॉर यू गाइज. ओके, बेस्ती हो जाती है गाइस, जैसे वीडियो बना रहे हो आप अच्छे से ओपन ना हो तो कितना इंसल्ट सी हो जाती है. क्या इंसल्ट, कुछ नहीं होता इंसल्ट, इंसल्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है. तो इसमें आए ये अटरम शटरम सामान, ये सिलिका जेल, ये बोया का स्टिकर्स, ये यूजुअल मैनुअल कथा, एंड ये रहा आपका माइक. सो दिस इज द केबल, ये आपके फोन पे लगेगी. ये वाला पोर्शन जो है ये वाला माइक्रोफोन पे लगेगा, एंड दिस पोर्शन विल बी ऑन फोन, ये फोन पे लगेगा, ठीक है. तो आप ये, मैं बोल रही थी देखो गाइज, ये वाला जो है ना ये आईफोन पे तो लग नहीं पाता है, एंड्रॉइड पे तो लग जाता है क्योंकि इसमें होता है हेडफोन वाला जो होता है जैक, बट इसमें ये वाला जो है आईफोन में नहीं लगता है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई थी. तो ये है, ठीक है. सेकंड ये क्लैंप है इसका, माउंट क्लैंप जो भी है ये है, ठीक है. इसको हम ऐसे अटकाते हैं. दिस इज फॉर DSLR, अगर DSLR में यूज किया तो, जो कि मुझ पर है नहीं. Basically, it's useless right now for me. The bag, ये पाउच जिसमें आप इसको कैरी कर सकते हो, अच्छे से रख सकते हो, इसमें बोया लिखा हुआ है आप देख सकते हो. ये विंडशील्ड है, इस ये जो है इसकी वजह से जो होगा नॉइज स्टॉप होगा, नॉइज नहीं आएगा. इसमें ये बोया का लगा हुआ है स्टिकर, एंड दिस इज द माइक गाइज, ये ऐसे लगा हुआ आया था. सो दिस इज द माइक, शॉटगन
इस माइक को शॉटगन बोलते हैं, मुझे नहीं पता था, मुझे पता चला है अभी नहीं, मतलब चल गया था पता. दिस इज अ शॉटगन माइक एंड इसको इसमें ऐसे लगाते हैं. लेट्स इंसर्ट दिस हेयर, इसको इस पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको लगाते हैं फोन पे. तो ये अभी नहीं लगेगा बिकॉज आईफोन है तो उस पे नहीं लगेगा. आप लोग सोच रहे हैं कितना शो ऑफ कर रही है ये, इसके पास आईफोन है तो आईफोन करे जा रही है. नहीं यार, मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा कर रही हूँ. एक्चुअली मैंने ये नहीं खरीदा, जैसे मैंने बोला था कि मैंने नहीं खरीदा है ये माइक, मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट किया है. सो दिस इज माई बर्थडे गिफ्ट. मेरा बर्थडे तो सेप्टेम्बर में था वैसे, बट दिवाली पे सेल थी गाइज, तो सेल पे सस्ता मिला तो मैंने बोला क्यों ज्यादा पैसे खर्च कराने हैं उसके, जब सस्ते में काम बन सकता है तो चलो सेल पे ले लेते हैं. तो मैंने फिर सेल पे ले लिया. हिज नेम इज शशांक पांडे उर्फ सौरभ पांडे एंड ही इज माई बेस्टी एंड थैंक यू सो मच शशांक फॉर दिस गिफ्ट, दिस लवली गिफ्ट. एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे अच्छे लोग मिले हैं अपने आसपास में, लाइक माय डैड, माय बेस्ट फ्रेंड, मॉम, डैड, भैया, भाभी, सभी लोग, माय फैमिली एंड ईच वन ऑफ यू गाइस जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच. तो थैंक्स टू हिम. लेट मी टेल यू गाइस, इसका प्राइस अराउंड 2000 या फिर 2000 प्लस था, मतलब थोड़ा ज्यादा था 2000 से, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली क्या प्राइस था. अमेजोन से मैंने खरीदा है और ये उस टाइम पे 2000 अराउंड 2000 से ज्यादा का था, बट अभी जब मैंने ये दिवाली सेल पे खरीदा तो ये मुझे मिला है अराउंड 1619 या फिर 20 या 1650, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, आई जस्ट मैंशन इट हेयर. तो मुझे ये इतने का मिला है दिवाली सेल पे, सो इट वॉज अ गुड डील. एंड ओरिजिनल है ये बोया का, आई चेक इट ऑन वेबसाइट और मैं उसका स्क्रीन रिकॉर्ड मैंने किया हुआ है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया हुआ है कि हाउ टू चेक कि इट इज़ अ रियल माइक और नॉट, एंड आई विल जस्ट एड दैट क्लिप एज वेल आफ्टर दिस. So you can check it out if you wanna buy it. Just be careful guys because बहुत ज़्यादा मतलब नकली product मिलता है. ये QR code है, तरीके से था, इसको यहाँ से remove करना है और यहाँ पर ये QR code है. So we will check now. Next thing I ordered is this lightning cable. मैंने ये क्यों परचेज किया, लेट मी टेल यू, ये मैंने इसलिए परचेज किया है क्योंकि लोकल जो मिल रहा था, लोकल जो केबल मिल रही थी लाइटनिंग केबल, वो मुझे पड़ रही थी 699 की ऑन दिवाली सेल, 699 की पड़ रही थी और वो लोकल थी. तो थोड़ा सा मुझे डाउट था यार कि आईफोन है वो चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि रिव्यूज ये भी थे कि उसमें हेडफोन चल रहा है, एक्सटर्नल माइक्स नहीं चल रहे हैं और मुझे ये एक्सटर्नल माइक के लिए चाहिए था, नॉट ओनली फॉर हेडफोन. सो मैंने सोचा कि जहां पे 699-700 लग रहे हैं तो मुझे ये, वैसे इसका प्राइस जो रिटेल प्राइस इस पे मेंशन है दैट्स 900, शायद आपको दिख रहा हो, दिवाली सेल पे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए ही कम किए उन्होंने, 51 रुपीज. तो 849 का मुझे ये रिसीव हुआ है, मैंने खरीदा है ये 849 रुपीस का. तो अब चेक करते हैं इसको भी और मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट, सॉरी गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसे भी ओपन कर चुकी हूँ, ठीक है. तो ये इस तरीके से आया हुआ है, तो अब इस पर ऐसे आया हुआ है और गाइस ये 849 की इतनी सी केबल है और इतनी पतली सी है ये कि मतलब कि बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल, वेरी फ्रेजाइल, इतनी नाजुक सी है ना, टूट जाएगी आराम से, मतलब ज्यादा चलेगी नहीं है ऐसा मुझे लगता है. ये ज्ञान की बातें, बहुत सारी ज्ञान की बातें, दैट्स इट, नथिंग एल्स. सो लेट मी कनेक्ट एंड चेक दिस, ठीक है, माइक, सॉरी हेडफोन मैं इसमें चेक कर चुकी हूँ, हेडफोन वॉज वर्किंग. लेट मी चेक द एक्सटर्नल माइक, मैं फर्स्ट टाइम अभी ही ये वीडियो बनाने के साथ साथ ही इसको चेक भी कर रही हूँ, अभी चेक कर रही हूँ. तो अब आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट, सो लेट्स चेक इट. ये मैं कनेक्ट कर चुकी हूँ, नाउ लेट मी कनेक्ट दिस माइक, दिस वन विल बी कनेक्टेड टू द अनदर साइड. मैं कनेक्ट कर चुकी हूँ एंड इसमें कुछ बटन वाला कुछ सीन नहीं है. तो अब जो अगर
आवाज आ रही होगी, तो वो इस माइक से आ रही है, तो आप देख सकते होगे, सुन सकते होगे कि कैसी आवाज आ रही है, साफ आ रही है या नहीं आ रही है। और दिस इज सो क्यूट। हाँ जी गाइस, तो कैसी आ रही है आपकी आवाज मेरी? थोड़ा सा मैं गाना वाना गा के सुनाऊं क्या? ना बहुत सारे ट्रक वगैरह चल रहे हैं, पटाखे भी फूट रहे हैं, तो इससे मुझे पता चल जाएगा, मुझे आइडिया मिल जाएगा कि इस ये कितना ज्यादा साउंड मतलब नॉइज को रोक रहा है और कितनी क्लियर वॉइस मेरी आ रही है थ्रू दिस। तो ये हमें अभी पता चल जाएगा। यस, सो आपने सुन ली होगी आवाज, आप सुन चुके हो आवाज, राइट? तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि क्या डिफरेंस है इसमें माइक के बिना और माइक के साथ में। सो मैंने ये अभी जो अब भी आवाज़ आ रही है वो माइक के थ्रू ही आ रही है, मैंने सेट कर दिया है उसको एक जगह। सो ये थी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो मेरी, एंड द रिव्यू वीडियो आप कह सकते हो, और सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हाउ टू चेक कि बोया का ओरिजिनल माइक है या नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मैं एक्चुअली ये वाला जो माइक है, मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, तो इसका ये रिव्यू है कि लोगों के मैंने रिव्यूज़ देखे कि सिंगिंग के लिए मैं इसको अपनी वीडियो में यूज़ नहीं कर सकती हूँ, मतलब वीडियोज़ में सिंगिंग के लिए, माने कि अगर मैं गा रही हूँ प्लस मैं प्ले कर रही हूँ इंस्ट्रूमेंट, सो बिकॉज इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन वाला जो इसका फीचर है, नॉइज़ कैंसिलेशन वाला, तो उसकी वजह से जो या तो मतलब मैं गा रही हूँ या फिर मैं बजा रही हूँ, तो जो साउंड है उसको वो नॉइज़ कैंसिल हो जाती है, तो उसकी वजह से वो साउंड अच्छा नहीं आता है, ऐसा रिव्यू है। बिकॉज मैंने अभी चेक नहीं किया है गाइज, तो मैं चेक करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगी। सो गाइज़ प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल पर, मुझे देखते रहिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए, आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।